हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल यार हेल्थ केयर। आई एम डॉक्टर मोहित। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजर कंपनी द्वारा बनाए गए वियाग्रा 100 mg टैबलेट की। क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन लेना, कब नहीं लेना है, बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मेरी गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं वियाग्रा 100 mg टैबलेट की। इसमें जो है सिंगल कंटेनर पड़ा होता है सिल्डेनाफिल। इसका इस्तेमाल मेनली जब करा जाता है जब पुरुषों में सेक्सुअल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, नपुंसक हो रहे हैं, मर्दाना कमजोरी हो रही है या फिर नामर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना की कमी है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, पेनिस में उत्थान नहीं है, जोश नहीं है, स्टेमिना नहीं है, कड़कपन नहीं है, ब्लड फ्लो पेनिस के नसों में नहीं है, कड़कपन नहीं है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने पार्टनर को सही तरीके खुश नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइमिंग कमी रहती है, तब जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। ये टैबलेट जो है मर्दाना कमजोरी को ठीक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइमिंग को बढ़ाती है। नपुंसक हैं या फिर बचपन की गलतियों के कारण या फिर हस्तमैथुन के कारण, कमजोरी के कारण, ब्रेम या फिर स्वपन दोष हो जाता है जिसकी वजह से वह पतला हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है जिसकी वजह से सेक्स करने में रुचि नहीं रहती, अपने पार्टनर को सही तरीके से सही तरीके से रिलेशन नहीं बना पाते हैं, तब जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। ये नपुंसक नामर्दी की बहुत ही बढ़िया टैबलेट है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, अपने पार्टनर से जब मिलने जाएं तो कम से कम आधे से एक घंटे पहले इस टैबलेट को दूध के साथ ले लेना तो है। उसके बाद आप रिलेशन कायम करेंगे तो देखेंगे आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी यानी कि शीघ्र पतन, जो जल्दी डिस्चार्ज होता है, टाइमिंग कमी हो चुकी है, वो भी बढ़ जाएगी और स्टेमिना भी बढ़ेगा, जोश भी बढ़ेगा, ब्लड फ्लो भी पेनिस में तेज़ होगा। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे घबराहट, बेचैनी होना, बीपी हाई होना, शरीर पर लाल लच करते पड़ जाना, इसके फॉर्म में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इस तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिले तो इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं हार्ट पेशेंट की, तो इसे हार्ट पेशेंट को नहीं लेना है या फिर जिनका बीपी हाई है उन्हें भी ये टैबलेट नहीं देना है। जो अडल्ट नहीं है वो भी ये टैबलेट ना लें, जो शादीशुदा है वो ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे और भी चैनल है जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप उसे चैनल को सब्सक्राइब करें, चेकआउट करें, जिससे कि वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिली हुई है। थैंक वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।